हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बना रही हूँ राखी स्पेशल चॉकलेट बिस्किट रोल। कुछ ही इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही यम्मी एंड क्विक बनते हैं। लेट्स डू इट नाउ। चॉकलेट बिस्किट रोल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए ओरियो बिस्किट और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद मैंने यहाँ पर ऐड की 1 टेबलस्पून ऑफ पाउडर शुगर। अगर आप नॉर्मल मीठा खाना पसंद करते हैं तो शुगर ऐड करने की नीड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बिस्किट्स में काफ़ी शुगर होता है। और इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें ऐड किए सम ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैंने लिया चॉप्ड आलमंड्स, चॉप्ड पिस्तेशियो, चॉप्ड कैश्यू नट्स। आप और भी ड्राई फ्रूट्स अपनी चॉइस के ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ऐड किया 2 to 3 tablespoons ऑफ मिल्क। हमें यहाँ पर एक डो प्रिपेयर करना है और मैंने बिस्किट्स को चॉकलेट क्रीम के साथ ही ग्राइंड किया था, तो बाइंडिंग में ज़्यादा मिल्क नहीं जाएगा। 3 to 4 tablespoons इज इनफ। हमें एक मीडियम थिक सा डो प्रिपेयर करना है, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा सॉफ्ट। डो प्रिपेयर करने के बाद अब हम इसके रोल्स बना लेंगे। आप यहाँ पर अपनी चॉइस की कोई भी शेप्स दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 तरह से बनाए हैं, एक सिलेंड्रिकल और दूसरा राउंड शेप। और अगर आपको रोल्स में क्रैक दिख रहे हैं, एक स्मूथ सा टेक्सचर नहीं आ रहा, तो आप डो में थोड़ा सा मिल्क ऐड करके उसे एक बार फिर से प्रिपेयर कर लो, सॉफ्ट कर लो, तो क्रैक्स नहीं आएंगे। ऐसे ही मैंने बाकी के सभी चॉकलेट रोल्स प्रिपेयर कर लिए। और अब यहाँ पर मैंने ली ऑलमोस्ट 150 ग्राम्स ऑफ चॉकलेट। इस चॉकलेट को हमें मेल्ट करना है, तो मैंने इसमें ऐड किया 2 to 3 tablespoons ऑफ हॉट मिल्क और इसे अच्छे से मिक्स करके हम मेल्ट कर लेंगे। और अगर आपको ऐसे मेल्ट करने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो आप एक बड़े बॉल में गरम पानी लेकर उसमें ये चॉकलेट बॉल रखकर मेल्ट करना, इससे इजी हो जाएगा। और मैंने यहाँ पर कंपाउंड चॉकलेट यूज़ की है। अगर आप नॉर्मल चॉकलेट यूज़ करते हैं लाइक डेयरी मिल्क, तो उसमें मिल्क ऐड करने की नीड नहीं है, वो डायरेक्ट डबल बॉयलर से ऐसे ही मेल्ट हो जाती है। चॉकलेट मेल्ट करने के बाद जो हमने रोल्स प्रिपेयर किए थे वो हम इसमें ऐड करेंगे और उन पर चॉकलेट की कोटिंग कर लेंगे। कोटिंग करने के बाद एक फॉक से रोल को निकालेंगे और जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है उसे निकलने देंगे। चॉकलेट से कोट करने के बाद रोल्स को बटर पेपर पर रखेंगे। अगर आप इसे डायरेक्ट प्लेट या ट्रे में रखते हैं तो ये चिपक सकते हैं, इसीलिए आप इसे बटर पेपर पर ही रखें। ऐसे ही मैंने सभी रोल्स को प्रिपेयर कर लिया और अब हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट इसे सेट करने के बाद हम इसे मेल्टेड चॉकलेट से डेकोरेट कर लेंगे। आप यहाँ पर कोई भी क्रीम या फिर वाइट चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं। चॉकलेट से डेकोरेशन करने के बाद आप इसे ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर सकते हैं। गार्निश करने के बाद हमें इसे 1/2 hour के लिए फ्रिज में रखना है, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं। आफ्टर 1/2 hour आप देख सकते हैं ये अच्छे से सेट हो चुके हैं। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। देखने में ही कितने यम्मी और डिलीशियस लग रहे हैं। आप सब भी इस रक्षाबंधन पर अपने भाई बहनों के लिए, अपनी फैमिली के लिए इसे बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये कैसे लगे। आई होप यू ऑल लाइक द रेसिपी। अपनी फैमिली और फ्रेंड से भी इसे ज़रूर शेयर करना, जिन्हें ये ट्राई करना चाहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। एन्जॉय दिस ब्यूटिफुल फेस्टिवल विद योर लव्ड वंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।